सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। एक चाहत होती है दोस्तों अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। सोने से पहले उन्हें भी माफ कर दो जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो, हो सकता है अगली सुबह उसे इसका एहसास हो। आज का पंचांग 26 फरवरी 2023 दिन रविवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 12:59 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 5:18 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय शाम 4:49 से 6:15 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 10:14 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मकर राशि 26 फरवरी 2023 दिन रविवार, अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगी क्योंकि उन्हें भी आपके इसने प्यार और समय की जरूरत है। ऑफिस के साथ साथ घर के कामों के लिए भी वक्त निकालें। अपने कामों के प्रति जिम्मेदार रहें, इसे आप अपने प्रियजनों का विश्वास जीत पाएंगी। असफल होना जिंदगी का एक हिस्सा है, अगर तुम असफल होते हो तभी सीखते हो। अपने काम तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें, इसे आप अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बना पाएंगी। आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व आत्मविश्वास का अनुभव करेंगी और अपने कामों को बेहतरीन कार्य रूप देने में भी सक्षम रहेंगे। अपने स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं को बदलने की कोशिश करें, अगले कुछ दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अटके हुए काम पूरे करने का मार्ग मिलने लगेगा। अपने कार्य क्षेत्र के अलावा एक और नए काम की जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। जिन लोगों को विवाह संबंधित बातों में रुकावट महसूस हो रही थी वह जल्द ही दूर होगी। सावधानियां, अपनी मेहनत के परिणाम विलंब से मिली तो चिंता ना करें, उचित समय का इंतजार करें। किसी भी तरह के सरकारी कार्यों को अधूरा ना छोड़ें, वरना कोई कार्यवाही हो सकती है। अपनी ईगो और गुस्से पर काबू रखना भी जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण प्रेम पूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती है। आज आप अपनी रोजाना के कामों को एक तरफ रख कर अपने सेहत, परिवार और अन्य मामलों के बारे में सोचेंगी। जिससे आप प्यार करते हैं उनके विश्वास को जीतने के लिए आपको जिम्मेदारी से व्यवहार करने की आवश्यकता है। रिश्ते में शारीरिक आकर्षण होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि विचारों का मिलना भी जरूरी है। बात करते हैं करियर की। आप अपने लक्ष्य के बारे में अच्छे से जानती हैं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। एक टीम के रूप में काम करने की आपकी भावना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपना नया नाम और पहचान बनाए ताकि लोग आपका सम्मान करें। अपने कौशल को निखारें, इससे आपको उज्जवल भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनी हुई है। सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। बिजनेस संबंधित कोई नया प्रयोग करने जा रही है तो उसके बारे में पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। नौकरी पेशे लोग दस्तावेज संभाल कर रखें। बात करते हैं सेहत की। अपनी सेहत का ध्यान रखें। काम ज्यादा होने की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। गले की खराश और सर्दी की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। कर्म नहीं करते हैं तो नौकरी के अच्छे अवसर खो देंगे। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब सूर्य देव को जल से अधर्य दें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।